हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमिक बुक यूनिवर्स। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा क्या देखा यार, मुझे भी याद नहीं है, याद करता हूँ बताता हूँ। लोगन एना के साथ एक बोट में सोर्टीरिया के सोल्जर्स के पीछे जा रहा है। एना लोगन से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पे लोगन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एना पूछती है कि क्या तुम उन्हें पकड़ सकते हो। इस पे लोगन कहता है कि चाहे वो लोग हमसे पहले गए हो, लेकिन अगर मुझे टाइम मिले तो मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर वो लोग ज़मीन पे पहले पहुंच गए तो वहां से वो लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहां जा रहे हैं। एना कहती है कि वो लोग सोटीरिया जा रहे हैं, लेकिन मैंने उस शहर को कभी नहीं देखा। ये ओशन के उस पार है। परसिफोन वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। वुल्वरीन कहता है कि वो लोग तुम्हारे बेटे को एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूँगा। जिस पर एना कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दोगे। अब लोगन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो टियरा के गार्ड्स वुल्वरीन को अपने पीछे आता हुआ देख लेते हैं और दो गार्ड्स ओशन में कूद जाते हैं ताकि वो वुल्वरीन को रोक सके। अब एना कहती है कि वहाँ पे कई बार साइंटिस्ट के अलावा कई और लोग भी आया करते थे। वो लोग अपने इक्विपमेंट्स लेकर आते और रिसर्च करने लगते, लेकिन कुछ दिन पहले सब लोग चले गए, केवल कुछ लोग ही बचे रहे। तब गार्ड्स आए और उसके बाद लोगन तुम आए। वुल्वरीन एना से पूछता है कि क्या तुम गार्ड्स के बारे में कुछ जानती हो। मैंने एक गार्ड के ऊपर अपनी पूरी गोलियां खाली कर दी, लेकिन वो फिर से खड़ा हो गया। इस पे एना कहती है कि मैं नहीं जानती। तब वुल्वरीन को कुछ सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि दो सोटियरा के गार्ड्स वहाँ उनके पीछे बोट पे आ चुके हैं। वुल्वरीन कहता है कि एना तुम पीछे जाओ, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। वुल्वरीन अपने क्लोज निकालता ही है कि एना हार्बून को ओमेगा रेड के सिर में मारती है, जिससे वो बोट से नीचे गिर जाता है। अब केवल एक गार्ड बचा है। वुल्वरीन एना से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और हार्पून है। जिस पे एना कहती है कि नहीं, यहाँ केवल एक ही हार्पून था। अब वुल्वरीन गार्ड के दो क्लोज देखकर कहता है कि दोस्त तुम कम चाकू लाए हो। जिस पे वुल्वरीन अपने क्लोज निकाल कर दिखाता है। अब गार्ड भी अपने पूरे क्लोज निकाल लेता है और वो लोग लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए वुल्वरीन गार्ड की ड्रेस फाड़ देता है। वुल्वरीन को उसके हाथ पे कुछ निशान दिखाई देते हैं जो उसके सपने में उसे किसी के हाथ पे दिखाई दिए थे। वुल्वरीन गार्ड को कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। लड़ते हुए वुल्वरीन देखता है कि उसके क्लोज लाल हो चुके हैं। अब वुल्वरीन बोट के फ्यूल पाइप की तरफ देखता है और उसे निकालकर गार्ड की तरफ फ्यूल फेंकता है। अब वुल्वरीन अपने रेड हॉट क्लोज को फ्यूल के बीच में लगाता है, जिससे आग लगती है और गार्ड जलने लगता है। अब वुल्वरीन गार्ड को उठाकर पीछे पानी में फेंक देता है। अब वुल्वरीन एना की तरफ मुड़ता है और अपने क्लोज एना के चेहरे के पास लाता है। एना उसे मना करती है कि मुझे मत मारो, जिस पे वुल्वरीन सपने से जाग जाता है। अब वुल्वरीन अपने क्लोज वापस कर लेता है। अब वुल्वरीन एना से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि मेरे क्लोज लाल क्यों हो जाते हैं। जिस पे एना कहती है कि मुझे नहीं पता। अब वुल्वरीन कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, आज का तो दिन ही ख़राब है, और जिस आदमी से मैं लड़ रहा था ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता था। अब वुल्वरीन बोट के स्टीयरिंग को पकड़ता है और कहता है कि मुझे फ्यूल पाइप काटना पड़ा, इससे हमारी स्पीड आधी हो चुकी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो लोग अपना रास्ता नहीं बदलेंगे और वैसे भी मैं उनकी गंध को ढूंढ सकता हूँ। अब एना वुल्वरीन को कहती है कि तुम इतना सब कुछ कर लेते हो फिर भी जिंदा हो, तुम लोगों की जान बचाते हो, क्या कभी कोई तुम्हें थैंक्स नहीं कहता। अब एना वुल्वरीन के हाथ पे हाथ रखती है और उसे किस कर लेती है। वुल्वरीन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थैंक्स के लिए किसी की हेल्प नहीं करता, और हमारे पास ये सब करने के लिए टाइम भी नहीं है क्योंकि हम सोटीरा पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क में जेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर जीन ग्रे सेरेब्रो का यूज़ कर रही है। जीन ग्रे किटी को कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने अभी अभी वुल्वरीन को देखा लेकिन वो तो मर चुका था। अब जीन ग्रे किटी के साथ स्ट्रॉम से मिलने जाती है। किटी कहती है कि जीन ने सेरेब्रो की मदद से लोगन को ढूंढ लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। स्ट्रॉम जीन से पूछती है कि जीन तुम्हें लोगन अभी क्यों मिला, तुमने पहले भी सेरेब्रो का यूज़ करके लोगन को ढूंढने की कोशिश की है। जीन ग्रे कहती है कि मैं तब से लोगन को ढूंढ रही हूँ जब से मुझे ये शक हुआ कि लोगन फिर से जिंदा हो सकता है। मुझे लगा नहीं था कि मैं लोगन को ढूंढ सकती हूँ क्योंकि उसके दिमाग का साइकिक ब्लॉक मुझे उसे ढूंढने से रोक लेता है, लेकिन पता नहीं मुझे किसी तरह से लोगन की लोकेशन का पता चल गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि हम लोगन को ढूंढ पाए। अब किटी कहती है कि हमें सावधान रहना चाहिए, हम ये नहीं जानते कि ये वही लोगन है जो मर चुका था।
क्योंकि वो सोटियरा में है उस परसिफोन के साथ। जीन ग्रे स्टॉर्म को एना की पिक्चर दिखाती है और पूछती है क्या यही परसिफोन है, जिस पे किटी कहती है कि हम ऐसे किसी ने परसिफोन को नहीं देखा। परसिफोन ने हमें वार्निंग दी थी कि अगर हम उसके सोटियरा या लोगन के पीछे आए तो वो एक्स जीन के कैरियर्स को मार देगी, उन बच्चों को जिनकी पावर्स अभी सामने नहीं आई है। किटी कहती है कि देखने से तो लगता है कि लोगन सोटियरा से भाग चुका है। तब जीन ग्रे पूछती है तो लोगन ने हमसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, जिस पर स्टॉर्म कहती है कि वो गधा लोगन कभी भी मदद के लिए नहीं कहता। जीन ग्रे पूछती है कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, जिस पर किटी कहती है कि हम एक्समैन की एक छोटी सी टीम बनाकर लोगन के पास भेजेंगे और उसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमें उससे सोटियरा और परसिफोन के बारे में जानना होगा। अगर परसिफोन कुछ बुरा कर रही हो तो हमें उसे रोकना होगा। इधर लोगन एना के साथ सोटियरा सिटी में घूम रहा है। वुल्वरीन एना से परसिफोन के बारे में बात कर रहा है। वुल्वरीन एना को कहता है कि तुम्हारे बेटे को यहीं कहीं होना चाहिए, हम उसे ढूंढ के वापस ले आएंगे। अब एना पूछती है कि वो इतने बड़े शहर में परसिफोन को कैसे ढूंढेंगे, इस पर वुल्वरीन कहता है कि यहाँ कहीं पर उनका ऑफिस मिलेगा, एक बार हमें कुछ सुराग मिल जाए तो मैं उसे ढूंढ लूँगा और फिर उसे तुम्हारे बेटे के बारे में पूछूँगा। अब एना पूछती है कि तुम केवल उनसे पूछोगे, जिस पर लोगन कहता है कि पहले तो मैं उनसे आराम से पूछूँगा और अगर ये काम नहीं आया तो मैं उनसे ज़बरदस्ती पूछूँगा। हम देखते हैं कि एक्समैन सोटियरा पहुँच चुके हैं, वो लोगन को ढूंढने लगते हैं। अब जीन ग्रे कहती है कि वो सेरिब्रो के बिना लोगन को नहीं ढूंढ सकती। तब सोटियरा के लोग उनकी तरफ बोतल, डंडे और पत्थर फेंकने लगते हैं। पुलिस एक्समैन को कहती है कि इस शहर से चले जाओ, म्यूटेंट्स जहाँ कहीं भी जाते हैं सब कुछ खराब कर देते हैं। जिस पे किटी पुलिसमैन को कहती है कि हम यहाँ एक दोस्त को ढूंढने आए हैं। अब पुलिस कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ नहीं है। नाइट क्रॉलर देखता है कि लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और वो वापस अपनी शिप पे नहीं जा सकते। अब किटी जीन ग्रे से पूछती है कि क्या तुम कुछ कर सकती हो, जिस पे जीन ग्रे कहती है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। पुलिस एक्समैन के ऊपर स्मोक बम छोड़ती है और उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो एक्समैन के बजाय अपने ही लोगों को मारने लगती है। उधर वुल्वरीन को लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वुल्वरीन एना से कहता है कि मुझे उनकी मदद करनी होगी। अब वुल्वरीन एना को छोड़कर लड़ाई के लिए जाने लगता है। इधर सोटियरा का गार्ड परसिफोन से पूछ रहा है कि क्या उन्हें लड़ाई में जाना चाहिए, जिस पर परसिफोन कहती है कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, उन लोगों को एक दूसरे को मारने दो। क्या तुमने लोगों के नए क्लॉज नहीं देखे, जिस पे कार्ड कहता है कि ठीक है लेकिन एक्समैन ने आपकी वार्निंग को इग्नोर किया है, तो बताइए आप कितने एक्स जीन कैरियर्स को मारना चाहती हैं। परसिफोन कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, एक्समैन को वापस उनके मैंशन में जाके ये सोचने में बिजी रहने दो कि उनकी वजह से कितने बच्चे मर चुके हैं। अब तक मैं अपने रिसोर्सेज को दूसरी जगह पर यूज़ करना चाहती हूँ। हम लोग कुछ दिनों के लिए बहुत बिजी रहने वाले हैं और अब के लिए मैं वुल्वरीन की एक्समैन से लड़ाई को देखना चाहती हूँ। उधर वुल्वरीन लड़ाई की जगह पर पहुँच चुका है और देखता है कि हालात अच्छे नहीं चल रहे। वो एक घायल आदमी से लड़ाई के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि मैंने वहाँ पे म्यूटेंट्स को देखा, वो लोग बिना किसी वार्निंग के आए और हमें मारने लगे, मुझे लगता है कि वो सोटियरा के साथ हैं। वुल्वरीन ये सुनता है और म्यूटेंट से लड़ने की सोचता है। वुल्वरीन सपने को याद करते हुए एक्समैन से लड़ने लगता है। सपने में वुल्वरीन लोगन को बता रहा है कि तुम्हें सबसे पहले नाइट क्रॉलर से लड़ना है। नाइट क्रॉलर धुएं से ऊपर आया हुआ है, वो लोगन को देखता है और उसके पास जाता है, लेकिन तब वो देखता है कि लोगन ने उसे देखकर अपने क्लोज निकाल लिए हैं। अब लोगन कर्ट को मारने दौड़ता है। सपने वाला वुल्वरीन लोगन को बताता है कि कर्ट एक टेलीपोर्टर है, लेकिन सबकी तरह वो भी एक फिक्स्ड पैटर्न यूज़ करता है और टेलीपोर्ट होता है। जैसे ही तुम्हें उस पैटर्न का पता चल जाएगा तुम उसे पकड़ लोगे। इधर वुल्वरीन कर्ट के पैटर्न को पता कर लेता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे कर्ट बेहोश हो जाता है। अब वुल्वरीन जीन ग्रे की तरफ जाता है, जो देख रही है कि पुलिसमैन अपने ही लोगों को मार रहे हैं, ताकि वो वुल्वरीन को यही यकीन दिला सके कि एक्समैन सोटियरा के साथ हैं। अब लोगन जीन ग्रे के ऊपर उसे मारने के लिए लपकता है, तभी आइसमैन आकर लोगन को दूर फेंकता है। अब आइसमैन लोगन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वुल्वरीन को आइस से ढकने लगता है। सपने वाला वुल्वरीन लोगन को आइसमैन से लड़ने के बारे में बता ही रहा है कि कोई उसे बुलाता है, ये पागल वुल्वरीन है। लोगन पागल वुल्वरीन का गेट खोलता है और देखता है कि पागल वुल्वरीन के पास रेड क्लोज हैं। अब रियलिटी में लोगन के क्लोज भी रेड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आइसमैन लोगन को रोकने की कोशिश में लगा है,
लेकिन लोगन आइसमैन को दो टुकड़ों में काट देता है।